कटनी का जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर अनियमितताओं को लेकर अस्पताल की शिकायत हुई है। जिला अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक पर डिलीवरी को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि उचित परामर्श न मिलने के कारण नवजात शिशु की रीढ़ की हड्डी में गहरा घाव है, जिसके लिए अस्पताल जिम्मेदार है। कटनी जिला अस्पताल परिसर की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें परिजनों ने जिला अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक डॉक्टर आरती सोंधिया के ऊपर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल बताया जा रहा है कि सोनोग्राफी जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने में महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रीमती आरती सोंधिया की लापरवाही की वजह से डिलीवरी वाली महिला को उचित परामर्श नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बच्ची की रीढ़ की हड्डी में गहरा घाव हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि आप फर्स्ट चेकअप अपना गवर्नमेंट में करवाइए, तो मैं वहाँ गई। वहाँ पे उन्होंने मैडम ने मेरा चेकअप किया, उन्होंने फर्स्ट सोनोग्राफी लिख दी। सोनोग्राफी मैंने वहाँ भी करवाई। उसके बाद मैं डॉक्टर आरती सोंधिया के पास गई। वहाँ की नर्स ने मुझे कहा था कि आप आरती सोंधिया को दिखा लीजिए, तो उन्होंने मेरी टारगेट स्कैन लिखी। उसके बाद उन्होंने टारगेट स्कैन की रिपोर्ट नहीं चेक की। सातवें महीने में उनके पास गई, उन्होंने फिर से सोनोग्राफी लिखा और सोनोग्राफी में मेरे बच्चे की रिपोर्ट थोड़ा अच्छी नहीं थी। फिर मुझे बाटवे सर ने कहा, आपको मैंने लिखा था कि आपको हायर सेंटर में उसको दिखाना है, आप गई नहीं। मैंने कहा सर मुझे मैडम ने नहीं बताया था कि आपको बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर मैं मैडम के पास गई। मैडम ने मुझे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने रिपोर्ट नहीं चेक की, अब आपका बच्चा किसी काम का नहीं है, मैं डिलीवरी करा देती हूँ आपकी। तो हम लोगों ने फिर घर में अपने बात की, तो सभी ने कहा कि ठीक है हम डिलीवरी करवाते हैं। फिर मनीषा साहू मैडम के यहाँ मेरी डिलीवरी हुई। उसके बाद बच्चे को ये प्रॉब्लम निकली, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप है और बहुत ही बड़ा फोड़ा है उसको, कमर के नीचे का हिस्सा उसका काम भी नहीं करता और माइंड में उसको पानी भरा हुआ है। परिजनों ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान जांच और परामर्श के लिए जिला अस्पताल में दिखाया था, जहां एक नर्स ने सलाह दी कि महिला चिकित्सक के निजी क्लिनिक में जाकर दिखाओ, जिसके बाद उन्होंने आरती सोंधिया की क्लिनिक में चेकअप कराया, जहां सोनोग्राफी की जांच का परामर्श दिया गया, जिसमें भ्रूण विकृत का स्पष्ट उल्लेख था। रिपोर्ट आने के बाद महिला चिकित्सक सोंधिया ने जांच रिपोर्ट को गंभीरता से अध्ययन नहीं किया, जिसकी वजह से बच्ची को जिंदगी भर विकलांग रहना पड़ेगा। ये अवस्थी परिवार का एक मामला है, उसमें उनके सोनोग्राफी में टारगेट स्कैन में ब्रेन में विकृति बताई गई थी, ब्रेन में, जो कि किसी के द्वारा पैदा नहीं की जाती है, जन्मजात विकृति है, जो कि शुरू के महीने में फॉलिक एसिड या ये सब नहीं लेने की वजह से होती है। कोई भी डॉक्टर कोई विकृति नहीं पैदा कर सकता, और ये विकृति का कोई इलाज नहीं है, जो कि इसमें जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि विकृति को दूर किया जा सकता था, उन्होंने इलाज नहीं किया, वो सब नहीं किया। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। उनको हम लोगों ने बताया था कि आप जबलपुर में भी एक सोनोग्राफी करा लो, वो नहीं कराई है। नेक्स्ट मंथ में जब वो आए हैं तब भी हमने उन्हें बताया कि बच्चे की ग्रोथ कम है, मेरे पर्चे में लिखा हुआ है, और उस समय भी मैंने सोनोग्राफी एडवाइस की है उसमें। आज श्रीमती शिखा अवस्थी, वाइफ ऑफ पंकज अवस्थी, निवासी शास्त्री कॉलोनी द्वारा एक लिखित शिकायत डॉक्टर आरती सोंधिया के खिलाफ की गई है, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके हम 6-4 से इलाज करा रहे हैं और इलाज में गड़बड़ी उनके द्वारा की गई है, जिससे एक विकलांग बच्ची का जन्म हुआ है। इस संबंध में शिकायत ले करके और हम उसकी जाँच कर रहे हैं और अभिमत के लिए CMHO को भेजेंगे, उनके अहमत के आधार पर जो आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।